Hi guys, this is Maratham Sharma and you are watching Cycling or Nothing. और फिर से हमेशा की तरह ठंडे सुबह हो चुकी है और आज हम फिर जा रहे हैं सफदरजंग टॉम्ब और हम टीम दिखाते हैं अपनी. गुड मॉर्निंग. ये लौंडन नया आया है. ये लौंडन बहुत पहले गया था राइड पे. अब बहुत टाइम बाद आया है. कोई टुडे मनु इज लेट. मैं तो पिछली बार भी लेट था पर ये छोड़ के चले गए थे. इनको अपनी स्पीड मेंटेन करनी थी. बाकी सारी प्राइवेसी तो स्टे ट्यून्ड. तो मिलते हैं आश्रम पे, रुकेंगे वहीं मिलते हैं आपसे और शायद दो तीन और राइडर्स ज्वाइन करेंगे. तो स्टे ट्यून्ड. तो गाइस मैं रास्ते में जा रहा था और ये सरिता विहार मेट्रो स्टेशन के पास मेरी साइकिल हो गई पंचर और अब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है और ये मेरे साथ रुके हुए हैं भाई सचिन भाई और बाकी डॉक्टर ढूंढ रहे हैं कि ये ऑपरेशन करे इसका. और बाकी अपने टीम मेंबर को मैंने आगे भेजा कि आगे देख के बताइए. अब पता नहीं क्या होगा. अभी ये भी हो सकता है कि क्या कुछ तो होएगा तो नहीं ठीक करानी पड़ेगी और तो कोई ऑप्शन है नहीं. बाकी किट हो तो मतलब किट तो पड़ी है पर मेरे को ना आलस आ रहा है. थोड़ी धूप धूप हो रही है ना. अगर नहीं मिला तो खुद ही करना पड़ेगा. हाथ पैर मारना पड़ेगा. बट अभी फिलहाल देखते क्या पता कोई मिल ही जाए. आप ज़रूर बने रहना. मैं आपको दिखाऊंगा कैसी स्थिति बनती है जो भी बनती है. ठीक है ना. ये पंचर वाला भाई है. ये पेट्रोल पंप के साइड में बैठता है. ये पंचर लगा रहा है. 100 रुपए ये 100 रुपए मांग रहा था भाई साहब. बड़ी मुश्किल से हमने इसको 20 रुपए में बनाया है. 20 रुपए और चाय में ये हमारा पंचर लगा रहा है. देखते हैं कितनी जल्दी लगा पाता है. और इसके डोले भी हैं. पंचर लगा लगा के भाई ने डोले बना लिए. भाई बढ़िया से लगा दे फटाफट. लगा रहे भैया. मैं तो लेंगे हम 20 रुपए और चाय में. हाँ तो गाइस फाइनली मैंने मेरे को अपना पंचर खुद ही बदलना पड़ा अपनी साइकिल का क्योंकि और कोई मेरे पास ऑप्शन था नहीं. और ये सारे आश्रम पे रुके हुए थे आ गए सारे और ये पेट्रोल पंप पे बंदे ने इसने पंचर बदलने से मना कर दिया था. अब हम कुछ नहीं कर सकते तो मैंने पहली बार ही बदला है. बदल दिया और ये सारे बहुत खुश है मेरे से कि क्या बात है अब हमारे भी बदल दिए. इन्होंने तो मेरे टैगलाइन दे दिया कह रहा पंचर वाला लग रहा हूँ मैं. आगे तो एकदम और इस भाई ने मेरी वीडियो बनाई थी. तरह वीडियो बनाई है ना आपने. इन्होंने फ़ोन से मेरी वीडियो बनाई है. मैं देखता हूँ अगर अपलोड करनी होगी तो कर दूँगा. पर मज़ा आया. इट वॉज़ अ नाइस एक्सपीरियंस. पहली बार था. अब तो आ गया है और अब हमारा प्लान बन रहा है क्योंकि धूप ज़्यादा हो रही है कि कहीं और जा रहे हैं शायद तुगलकाबाद कोट या जहाँ भी अब तो लोकेशन पर पहुँच के पता चलेगा. तो अब आपको बताते हैं कि कैसे क्या होता है. What a weather, bitches. यार ये तो हम बड़ी अच्छी जगह आ गए यार. ये तो मतलब देख रहे हो सबसे पहले मैंने बोला था कि तुगलकाबाद फोर्ट चलते हैं. अरे ऐसे यार हल्के में ले रहे हो क्या फिर भाई को. थैंक यू. ये देखो ये फोटोग्राफी कर रहे हैं. हेलो करो. हाय हेलो. और ये हमारा फोटोग्राफर रखा हमने चेलो. छोचू का बड़ा पंचर वाला कह रहे थे ना. और छोचू
इनसे भी तो मिल लो, ये तो मिलवाया नहीं मैंने। हेलो हाय, व्हाट्स योर नेम? सल्तनत। क्या नाम है आपका? सल्तनत। ओह ओहो हो, ये देखो हमारे सूरज साहब, ये ग्रैंड लगाते हैं लोगों की जिंदगी पे, एडवोकेट है ये। हेलो करो सूरज, हाय करो। हाय। ये हमारे आर एन रात्रा साहब, ये बॉजी बना रहे हैं पर पेट भी फूल रहा है इनका। और हमारे एडमिन साहब, ये तो पोज ही देते रहते हैं, इनकी जिंदगी पोजिंग में ही दे। यहीं से हमने तोपे चलाई थी। हाँ, यहाँ तेरा गधा खड़ा था जो हमने उड़ाया था। मेरा? मैं ना पालता हूँ। गाइस, तो हम तगला का बात फोर्ट आए हैं, यही करना पड़ा ना यार। उस टाइम तो मौसम बहुत खराब था, तो हमें लग रहा था कि वापस आते कुछ ज्यादा गर्मी हो जाएगी, बट यहाँ तो मौसम ऐसा हो गया है कि गजब ही हो रहा है। और ये सारे फोटोग्राफी में बिजी हो रहे हैं, और ये व्यू कितना गजब हो रहा है। अरे तुगलकाबाद फोर्ट ये पोज दे रहे हैं, देखो इनकी कोई फोटो नहीं खींच रहा है, पोज ही देते रहते। हाँ भाई, तुगलकाबाद फोर्ट आए हो आप? अरे तो फिर यार यार क्या चाहते हैं ये लोग यार, इन लोगों से परेशान हो गया हूँ मैं, और खासकर इनसे। इन्हें देखो, ये सारे फोटोग्राफी में वो है। पर यार, अरे वो मेन वाला तुगलकाबाद फोर्ट तो उधर है ना, पर ये भी अच्छा। तू या कहाँ कर रहा है? ये देखो, दूर से देखिए इस आदमी को। क्या बात है, क्या बात है, देख रहे हो? इसे कहते हैं डेडिकेशन। फोटोग्राफर ये और फोटोज ये ले रहे हैं। बता कुछ अपने बारे में बढ़िया, कि कहाँ एडवोकेट है ना? आई एम एडवोकेट, वकील है। कोई भी केस में हरवाना तो ये आता है बीच में। और ये हमारे हस्बैंड, ये तहखाने में इसको अंदर पैक करो। अरे मेरा फोन, जा अंदर जा। अच्छा सुरंग है यार, कहाँ से जाता है ये? कहाँ जाता है? और हम आपको इसके बारे में क्या बताएं? आप देखिए, तुम नजर तो कहीं आ नहीं रहा इसमें। पोचो है, लेज लेज के लेता है, पोचो है। बंद हो गया, आई थिंक बैटरी लो। नो, चल रहा है यार। डू यू नो हाउ टू ऑपरेट द गोप्रो? देन आई विल टीच यू, बिच। यो, ए यही तो, ये देखो, सुनो सुन, यो हनी सिंह के। यार क्या मजा आ रहा है यार, मौसम भी इतना तेरी। आर्यन, हाउ आर यू? क्या चल रहा है ये वीडियो चल रही है? अब देखेंगे आपके दोस्त, देखेंगे आपको, आपके शरीर को। ये नीचे क्या है? अच्छा पेट है। देखिए गाइस, अब यहाँ पे बहुत हम चोरी कर लिया, अब हम बाहर चलते हैं और जाते हुए सूरज कुंड रोड से जाएंगे, वो रोड दिखाते हैं। हाँ तो गाइस, हम अपना ब्रेकफास्ट करने आए हैं कहाँ पे? बीकानेर स्वीट्स, प्रहलादपुर के रास्ते पे, प्रहलादपुर के एंड पे। और अब यहाँ से हम सूरज कुंड रोड पे चढ़ रहे हैं, और ये देखो इन सारे हफ्सियों को, ये तो खा के बैठे हैं। ये देखो, ये देखो, हाय हाय। और अब यहाँ से थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट करके ये NFC जाएंगी। हेलो करो, हाय। और ये हमारे साथ बाकी सब तो फरीदाबाद के, इनके लिए थोड़ा टास्क, हम तो बाकी सूरज कुंड रोड से चले जाएंगे, तो इतनी कोई दिक्कत होगी नहीं हमें। My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. प्रहलादपुर से होते हुए बदरपुर निकल गए, मेरे को अकेले यहाँ से सूरज कुंड से आना पड़ा। मैंने उनसे बहुत बोला था कि उधर से चल लो, मज़ा आएगा, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, पर वही है, बड़े हैं ना, मेरे से मानता नहीं है, मेरी कोई भी सारी बात सोचते, छोटा है तो इसको क्या पता होगा। पर सही में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर अकेले। और आज के लिए फिलहाल इतना ही, अब हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। कोई बढ़िया सी लोकेशन सजेस्ट कर दो यार मेरे को, अगर कुछ है आपके दिमाग में प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि कहाँ जाना चाहिए मुझे, नेक्स्ट ब्लॉग कहाँ का बनाना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और लाल बटन दबा दो, कितना मजा आएगा। सी इन द नेक्स्ट व्लॉग।